हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मसाला मखाना। मखाना तो अपने आप में काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, साथ ही साथ इसके कई प्रकार की डिशेस भी बनाई जाती हैं, जैसे कि मखाना खीर वगैरह। लेकिन आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मसाला मखाना। मसाला मखाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, साथ ही इसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है, साथ ही साथ ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है। तो आप इसे बना करके डब्बे में भर करके रखें। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये 15-20 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आप इतने लंबे टाइम तक इसे बचा करके रख पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि इसे मिनटों में चट कर जाते हैं सभी, बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। को बनाने के लिए हमें चाहिए प्योर घी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है और इसमें आधा कप घी ऐड कर दिया है। आप घी में ही बनाएं तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, वैसे आप जो भी ऑयल खाते हो उसमें ही बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम जितना मखाना। मखाना आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल सकता है। जैसे ये रोस्ट हो जाएगा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कलर इसका थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसको चेक करना है। तो थोड़ा गर्म है ये, तो थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे चेक करेंगे। तो ये ठंडा होने के बाद मैंने चेक किया तो इस तरह से टूट जाना चाहिए। अगर नहीं टूटता है तो आप थोड़ी देर और भी इसे भून सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच डाला है काला नमक, इसके साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। इसके बाद आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। हम देख लेंगे यदि मसाले हमारे सूखे होंगे तो थोड़ा सा घी हम इस टाइम पर इसमें ऐड करेंगे। तो मैं चला करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारे मसाले थोड़े से सूखे हैं, मखाने के साथ अच्छी तरह से नहीं लिपटे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चम्मच जितना घी इसे मैं ऐड कर दूँगी, जिससे क्या होगा कि मसाले मखाने के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और ये थोड़े से लटपटे से हो जाएंगे। तो ये देखिए घी डालने के बाद मसाले मखाने के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मखाना मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब ये मखाना हमारा रेडी टू ईट है और देखिए कितना सुंदर सा कलर दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, चटपटा मज़ेदार सा। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कुछ चटपटा सा खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि ये मिनटों में चट हो जाएगा जब आप इसे बना करके रखेंगे। और ये बहुत जल्द फटाफट मिनटों में बनने वाला रेसिपी भी है। तो जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट से बना लें, चाय के साथ सर्व करें, या फिर कोई गेस्ट आ जाए अचानक तो भी आप इसे फटाफट से बना करके सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चे खेल करके आते हैं तो वो भी डिमांड करते हैं कुछ फटाफट से खाने के दो, तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ।